बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अम्मी जी का बहुत ही स्पेशल सा एक नुस्खा। आपको पता है, जो लोग मतलब मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है अम्मी जी जो है ना आए दिन कोई ना कोई नुस्खा देसी जो है तैयार करते रहते हैं, तो वो जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ में जो है अम्मी जी की मजेदार सी छोटी छोटी सी बातें, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप से लोग मेरे चैनल पर नहीं है, फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अम्मी जी सुबह सुबह पता नहीं क्या यहाँ पे कुंडी में कूटने लगे, मुझे आगे करने लगे हो की जाए सोंड सोंड के अदरक सोंड अदरक अदरक तरह दी हुई है गले च नहीं पहन दी कोई नुस्खा तो ही बना लगे होने जरूर जरा ता काम में नुस्खे घर कर तुम मोटे हो गए हो मुझे नुस्खा बना लगे हो दवाई खाने बना अच्छा ये सुंड मैं पहले दिखाई नहीं तो मैं दिखा देती अभी तो मेरी जो पाउडर बना दिया हुआ है चेक कराओ पर इधर के ये है जी सुंड जिसे बोलते हैं पंसारी को मिलती है ना सुंड है ये अदरक की तरह की होती है ये इसको जो है ना मेरी जनाब यहाँ पे कुंडी में जो है ना कूट रहे हैं मतलब इसका पाउडर बना रहे हैं पीस रहे हैं इसे बाकी अभी मैं सारा जो है शेयर करती हूँ अम्मी जी क्या क्या चीज लेके आए हैं और जो है ना क्या बनाने लगे हैं किस चीज के लिए जो है ना बनाने लगे हैं जिन जिन देसी चीजों का अम्मी जी यहाँ पे नुस्खा तैयार करने लगे ना वो मैंने पहले निकाल के रखी है कि अगर आपके साथ शेयर करने लगी तो सारी चीजें आपको दिखाऊं भी मैं लेकिन सबसे पहले अम्मी जी से पूछते हैं बनान के वास्ते लगे हुआ है नुस्खा आप ही खा रहेगा कि ये पास नहीं मतलब जो भी इन चीजों का बनावांगे वो कादे वास्ते वे केड़ी चीज वास्ते एक तो ना पेट दर्द हुंदा है या फिर मतलब मोटापे वास्ते हुंदा है या कि मेदे वास्ते हुंदा है सारे बीमारियों वास्ते सही है ना मोटापा कम करने वास्ते भी मतलब जिन्होंने दसना है मतलब जिन्होंने वेखना उन्होंने फिर जाहिर ही अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो फिर हाँ तुम दसो हां एक नुस्खा महाराज ये तैयार हुआ पड़ा हुआ है दलिया है गंदम का साथ में खली है बैंस सुकरी जो बनाते हैं अभी खा लो मां जी दले मोटापा कम हो जाता जी अम्मी हो रही मोटापा कम करने के चक्कर च नुस्खे शुस्के कर दे अम्मी और मोटे हो ही जाते नहीं भरा नहीं कर दी अम्मी तुम इन्ने तो कर दो सानू मोटा होने वाला दसो नुस्खा मोटा होने वाला भी कोई सर्च कर लिया करो अम्मी दसो ना शर्मा दस रो मेनु फिर मैं फिर वीडियो नहीं बना दी तुम दसना नहीं तो चर्बी घट हुंदी पेट दी गैस वगैरा करो मेदा खराब हो जिस्म दा खिचाओ जोर दर्द कर दे फिर तुसीं कदी शर्मांदे हो पे दसदे आ जे तुसीं नहरी करदे हो पे जे तो इन मतलब इन सब चीजों के लिए जो है ना मिली यहाँ पे एक नुस्खा तैयार कर लें जिसके लिए जो है ना सबसे पहले यहाँ पे सुंडी में बता देती हूँ सुंड ली है ये और इसका जो है ना मिली यहाँ पे बना रहे हैं हाथ के साथ ही पाउडर मशीन में भी बना सकते थे लेकिन अम्मी जी कह रहे थे इसमें बन रहा है तो मैं इसमें ही जो है ना बना रहती हूँ तो तकरीबन कितना का लेना हजे है अम्मी जी पंजा ग्राम ठीक हो गया मैं दस लेनी है सुंड जो है ना वो 50 ग्राम और ये जो है सफेद जीरा ये भी 50 ग्राम और ये है जनाब अजवाइन और काली मिर्च जो है ना मिक्स कर दी है मैंने अजवाइन भी 50 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम ठीक हो गया और एक चीज ये है इसका नाम है जी की नाम दस दो पेदा नुशादत ये पंसारी को जाग बोले तो मिल ही जाता है नुशादत मैंने देखा भी पहली दफा है जब ये लेके आए थे ना तो मुझे ये था ये फटकरी होगी मैं फटकरी कह रही थी एक मिश्री भी होती है वो मीठी होती है चीनी की तरह मतलब चीनी होती है एक साथ लेकर इस तरह होती है एक होती है फटकरी और ये जो है ना उसी तरह की है नुशादत ए कि नहीं लैनी है ओहो लैनी कि नहीं है अच्छा तो अभी साथ साथ में बताती हूँ कि इन सारी चीज को क्या करना है सबसे पहले तो जना बना लिया सुन का पाउडर यहाँ पे सुन का जो पाउडर बनाया है ना उसे अभी अम्मी जी जो है यहाँ पे छाने लगे आपको पता है उसके अंदर ये थोड़ी जरे होती है
तो ये ज्यादा नहीं, इतनी कूटी गई थोड़ी बहुत है, तो ये छानी के साथ छान के ना इसका पाउडर निकाल लेते हैं। अगर इसमें ना कूटना हो तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, तो अम्मी जी को बस चाव चढ़ा हुआ है कि उसी में करना है। इसमें मेरे ख्याल से जड़े भी सही से हो जाती होंगी, लेकिन इधर ही सही है कुंडी में, यहाँ जो चट्टू वट्टा होता है, यहाँ हमारे घर तो यही है चट्टू की जगह ये कुंडी। मैम मुझे को कह रही हूँ कि क्या आप जो है ना लगे रहेंगे यहाँ पे, बड़ी देर लगनी है, तो इसमें जो है ट्राई कर ही लेते हैं। ये ग्राइंडर की डब्बी भी जो है हमारी कुर्च बुर्च कुर्च मुर्ची होगी हुई है, चेक करें साइड से, मतलब कि टूट गई हुई है। इसमें डाल के जो है ना फटाफट से हम करते हैं, चेक करते हैं भला सही से बनता है पाउडर इन सारी चीजों का। इसमें कहाँ खपते रहना है हमने। इतना सही से नहीं हुआ अभी, चलिए कोई नहीं, खैर है दोबारा चलाते हैं मशीन। सोंड और अजवाइन और साथ में सफेद जीरा, काली मिर्ची, इन तीनों चारों चीजों का जो है ना यहाँ पे पाउडर बना के हमने रख लिया है, बिल्कुल बारीक सा जो है ना पाउडर। और रह गया जनाब एक चीज हमारी, ये नौशादत क्या, और इससे भी जो है ना मिर्च कुंडी में करने लगे हैं, बड़ी डीट है नौशादत। नौशादत का पाउडर बना के भी शामिल कर दिया है, अजवाइन, सफेद जीरा, काली मिर्चें और नौशादत और सूंड, इन सारी चीजों का पाउडर जनाब यहाँ अभी अम्मी जी करने लगे हैं मिक्स। और ये एक तरह की हमारी बन जानी है फक्की, ते अम्मी मिक्स कर दे कदे नाल दाल छोड़ के खाने के, इस तरह करनी है। अम्मी जी के शायद ना समझ आए, मैं खुद बताती हूँ कि ये जो फक्की अभी हमने बना ली है इसको रख देना है, और एक जो है ना खाने का चम्मच फुल भर के भी नहीं, मतलब इतना सही सही है डेली, मतलब नहार मुंह ना ये खाना है हमने नीम गर्म पानी के साथ। तो नीम गर्म पानी जो करना है उसमें अगर हम लीमू मिला लेंगे ना तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, अगर नहीं तो फिर भी कोई नहीं, खैर बस नीम गर्म कर लें और उसके साथ जो है डेली खाया करना है, तो वही मतलब पेट की चर्बी अम्मी जी बता रहे हैं कम होती, मतलब कि अम्मी जी के लिए जो है मतलब का नुस्खा यही है कि मतलब मोटापा कम होगा। वैसे अगर पेट में गैस वगैरह है, मैदे का कोई मसला है, मतलब दर्द है पेट में, उसके लिए भी ये बेस्ट है पक्की। दर्द वगैरह अगर जिस समय कहीं भी कोई दर्द वगैरह होता है, मतलब जो होता है ना, मतलब जोरों में खिंचाव वगैरह रहता है, उसके लिए भी बेस्ट है। लेकिन खाना जो है ना ये निहार मुंह है सुबह टाइम नीम गर्म पानी के साथ। ये था जनाब हमारी अम्मी जी का मतलब मुख्तसर सा नुस्खा, कह लेते हैं मतलब ये चीज भी ला के दो, ये चीज भी ला के दो, ये चीज भी ला के दो, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये नुस्खा बना, लेकिन बाद में जब पूछ रहा किस चीज के लिए बताए, फिर वो जो है ना मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे करते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसी तरह का था, मुझे बता रहे थे तो मैंने जो है ना बता दिए, बाकी इसका टेस्ट तो मुझे नहीं पता भी कैसा होगा। चख ला तेरे वास्ते सही रहे, दाने बंद नहीं मुंह से। नहीं मेहरबानी, मैं पाए होर पतली हुई हां। आओ दाने खत्म कर दो, कहते मैं होर पतली हुई हां। देख लिया अम्मी जी का नुस्खा है, छोटा सा था लेकिन इतना लंबा जो है ना बनते बनते जो है ना हमने बना दिया था उसे। वो नुस्खा बनाने के बाद अम्मी जी ने एक और नुस्खा जो है ना अपने लिए बनाया था, लेकिन वो मैंने शेयर नहीं था आप लोगों के साथ किया, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा उस टाइप का था, जैसे दो तीन दफा मैं आप लोगों के साथ जो है ना सर्दियों में, खतीजा ये स्कूल से, तो वो जो है ना मैंने शेयर नहीं था किया, मतलब बता शेयर नहीं किया, वो मैं बता रही थी कि हाँ भूल गया कि पंजीरी की जो है ना मैंने रेसिपी दो तीन दफा इस दफा जो है सर्दियों में मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो पंजीरी टाइप ही था, अम्मी जी ने कुछ बनाया सेम उसी तरह का था, तो मैंने फिर वो जो है दोबारा नहीं बनाई वीडियो के, बार बार वही एक चीज जो है शेयर करती जाऊँ, तो वो पंजीरी टाइप ही जो है ना अम्मी जी ने अपने लिए वो नुस्खा तैयार किया था, ये दाल वगैरह चनों की दाल ये सारी चीजें मिक्स करके। तो बाकी ये थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार सी वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नुस्खा बेशक तैयार ना करें लेकिन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, फिर भी गलती होगी तो वहां से दुआ में याद रखिएगा। सैनिक को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।